नमस्कार। 10 बजे का आगाज एक ऐसी तस्वीर के साथ, एक ऐसे शख्स की तस्वीर के साथ जिसे आपने नेता के तौर पर देखा है, लेकिन आज इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आमतौर पर खादी के कुर्ते में दिखने वाले नेताजी कैलाश विजयवर्गीय आज रॉकस्टार की वेशभूषा में है। ये देखिए, सस्पेंस नहीं बनाएंगे हम आपके सामने। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो आए दिन विवादास्पद बयान देते हैं, मगर आज जिस वेशभूषा में है इसे विवादास्पद तो नहीं मगर दिलचस्प कहा जाएगा। इंदौर के बजर भट्ट सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय रॉकस्टार बनकर जनता के बीच नजर आए। ये देखिए कैलाश विजयवर्गीय साहब, चेहरे पर मुस्कान है। ब्रजेश राजपूत मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता भोपाल से। ब्रजेश, कैलाश भाई को आखिर ये क्या सूझी? देखिए अभिचार, मध्य प्रदेश में मालवा में हास्य रंग की एक परंपरा है और आज रंगपंचमी का त्योहार है। इंदौर में रंगपंचमी की ठीक पहली वाली रात को इंदौर में एक बजर बट्टू सम्मेलन होता है, जो हास्य रंग का सम्मेलन होता है, जहाँ हास्य रंग सम्मेलन होता है, और उस बजर बट्टू सम्मेलन में शामिल होने के लिए कैलाश विजयवर्गीय हर साल ये नए नए तरीके की वेशभूषा क्या पहन के जाते हैं और फिर उस सम्मेलन में शिरकत करते हैं। तो कल वहाँ जो हास्यवंग का कवि सम्मेलन था उसमें कैलाश विजयवर्गीय रॉक स्टार के रूप में नजर आए, और हमको ऐसा लगता है कि जो त्रिपुरा में जो जीत या नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी की जीत है उसको उन्होंने शो करने के लिए रॉक स्टार का जो बाना धारण किया और रॉक स्टार बन के वहाँ मंच तक पहुंचे और वहाँ पे लोगों से कहा कि वहाँ की जो जीत है नरेंद्र मोदी की जीत है। तो आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पे ये पॉप सॉन्ग और ये तमाम इस चीज का कल्चर है, तो वजह यही रही कि कैलाश विजयवर्गीय रॉक स्टार बन के नजर आए। चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, हमारे जो राजनेता है ना, अगर वो इस तरह से प्रेरणा दें जहाँ वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर इन तमाम चीजों की बात करें, अच्छा लगता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, सुनते हैं उनको। रॉक स्टार नौजवानों की पसंद म्यूजिक और कुल मिलाकर हमारे मित्रों का ये निर्णय था कि मुझे रॉक स्टार बनना चाहिए। मुझे तो यहीं आने के बाद पता लगता है कि मुझे क्या बनना है। तो आज उन्होंने एक संगीतकार के रूप में, संगीत मेरी रुचि का विषय भी है और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि मैं रॉक स्टार का कलाकार के रूप में यहाँ। देखिए, हमारे राजनेता विवादास्पद बयान न बोलने के बजाय अगर इस तरह की कोई परिचय दें तो बेहतर होता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।